श्री केसी त्यागी जी, आपके 8 मिनट हैं, 10 मिनट तक चल जाएं। डिप्टी चेयरमैन सर, कि मेरे बोलने से पहले भी आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। उसी हिसाब से आप चलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार के समय सरकारी पक्ष की तरफ से बोलते हुए हमारे मित्र श्री राजीव शुक्ला ने इस पूरे सिस्टम पर बड़ी बारीकी से बहस की शुरुआत की थी, और ऐसी दूसरी वानगी श्री रामगोपाल जी के वक्तों में मुझको दिखी है जिसमें उन्होंने बुनियादी और सतही सवाल उठाने का प्रयास किया है। और सदन के अंदर तो हम ये सब बातें करते हैं, बाहर जाकर के इन बातों को करने की न इजाजत है न व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शुरुआती उल्लेख में कहा था कि इसका अर्थ जो है सबको न्याय है और सस्ता न्याय है। सब चीज है इसके अंदर, ना तो सबको न्याय है ना सस्ता न्याय है, और सारा जो ठीक रहा है वो संसद पे रखा जाता है, उसके सर पे फोड़ा जाता है। सर, किसी अदालत में, क्योंकि हमें राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते दर्जनों बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, किसी और स्कैंडल में नहीं, आराम करने के नॉन पॉलिटिकल केस। तो सर, जो जेल की हमने परिस्थितियां देखी हैं, पिछले दिनों मुझे होम मिनिस्ट्री के कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में जाने का मौका मिला। आदिवासी जिला है एक सुकमा, उसमें 570 लोग बंद हैं, मध्य प्रदेश के मेरे साथी होंगे या छत्तीसगढ़ के, 570 के 570 आदिवासी, एक भी नॉन आदिवासी नहीं है, 70 महिलाएं हैं जो पिछले 3 साल से बगैर ट्रायल के ओवरलोडेड जेल में रह रही हैं। और उनको पता ही नहीं कि क्यों वो जेल, वजह पता नहीं। तो सर, जितनी खराबियां, ये तो सब सारे देश के सब डिपार्टमेंट में सब विभागों में गड़बड़ है, लेकिन जितनी बेरहमी का बर्ताव हमने जेलों के अंदर देखा है इतना कहीं नहीं है। और यहां पर भी क्लासेस हैं, वहां भी प्रिविलेज क्लासेस हैं, हमने देखा है जो पैसे वाले जेल जाते हैं, एसी है अंदर, मालेशिया है अंदर, उसके बाहर से कपड़े धुल करके आ रहे हैं, उसका सारे जो इंफॉर्मेशन के सेंटर हैं वो काम कर रहे हैं, मोबाइल से लेकर के कई जगह छापे पड़ते हैं जेलों में, पता नहीं कितनी तरह की चीजें पकड़ी जाती हैं, और का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो सबको न्याय और सस्ता न्याय, ये अब कल्पना भर बन के रह गई है। अंडर ट्रायल का जिक्र कर रहे थे रामगोपाल जी, जमानत कोर्ट ने दे दी है, जमानत कौन भरे, 2-2 साल से, 3-3 साल से, और सर 2 रुपए की चोरी में 5-5 साल से जेल में पड़े हुए, ये कैसा न्याय है, ये तो अन्याय व्यवस्था होगी। हमने पूछा कई बार, मैं मेरठ जेल में था आपातकाल में, सुबह सुबह के वक्त मेरे गांव के बाजू के 4-5 किसान बैठे रो रहे थे, मैंने जाके पूछा क्या प्रॉब्लम है, कि साहब 100-150 बीघे के हम जमींदार हैं और कर्जा वसूली में लाए गए हैं, और सुबह उनके हाथ में झाड़ू दे दी। उसने, सर हमने तो जिंदगी में काम भी नहीं किया, और रो भी रहे हैं और झाड़ू भी लगा रहे हैं, जो काम करने का वहां का तरीका और भ्रष्टाचार, कोई देश की जेल ऐसी है जहां एक मुलाकात बगैर भ्रष्टाचार के हो जाए? और तो हम लोग तो तरसते थे उसमें जेल में कि मुलाकाती जो आपातकाल में, तो वैसे भी डर की वजह से घर वाले भी छोड़ के चले गए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे वहां से। आप लोगों ने ऐसी हमारी अंथोनी साहब की पार्टी ने दुर्गति कर दी, आपातकाल में कई की बीवियां छोड़ के चली गई, लौटेंगे नहीं। और टाडा के अंदर भी ये हुआ, जब हम थे समाजवादी पार्टी में, हम लोगों ने टाडा के मुकदमे उठाए थे मुंबई का, ऐसे हमें 2 दर्जन से ज्यादा, 99% मुस्लिम थे, हमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे किस्से मिले
कि टाटा का मुजरिम जो है पति जेल से आएगा 20 साल के बाद और उसकी बीबी ने किसी दूसरे आदमी शादी कर ली मुंबई शहर के अंदर, और उसके उसके पति ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा लौट करके, टाटा लगा हुआ है उसकी, उसने अपनी बीबी से कह दिया जेल से, उसने तलाक दे दिया और उसने कहीं और शादी कर ली। तो सर मैं कहना चाहता हूं, और अब तो भी कोई भी होली बुक तो रहा नहीं है, हम लोगों पर इल्जाम लगते हैं तमाम तरह के, अब तो जजों पे भी यौन शोषण के इल्जाम लग रहे, वो भी कोई होली ग्रंथ तो बचे नहीं। अभी लोकसभा के 60 MPs ने लिख करके दिया है किस तरह से एक जज ने एक ट्रेनी के साथ और एक महिला ट्रेनी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, जो अभी ऑनरेली चेयरमैन साहब ने कमेटी बनाई है उसको लुक आफ्टर करने के लिए, और जितना महिलाओं का जो जितना निर्मम शोषण है वहां पर पुलिस कस्टडी से लेकर जेल जाने तक। तो सर मैं कहना चाहता हूं कि जो ताजा उदाहरण जिसका जिक्र रामगोपाल जी कर रहे थे बहुत भयानक है, और पिछली बार राजीव शुक्ला जी को अगर अपना वक्तव्य याद हो इन्होंने सारे सवाल उठाए थे, आर्बिट्रेशन का सर इन्होंने उठाया था, आर्बिट्रेशन यहां नहीं होता है, हमारी तो कमेटी की मीटिंग के लिए भी अभी डिप्टी स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि बाहर नहीं जाते, आर्बिट्रेशन केस जेनेवा में होते हैं, क्योंकि यहां गर्मी रहती है तो यहां आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, और जो आर्बिट्रेशन के लिए जज जाते हैं 1 करोड़ से लेकर के 5-5 करोड़ तक के पैकेजेस हैं, पार्लियामेंट की कमेटी जाएगी आप 10 तरह के इंस्ट्रक्शन से, नो नो 5-स्टार होटल नो फलना नो, इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आर्बिट्रेशन के, कि जेनेवा लंदन के अलावा इनके आर्बिट्रेशन नहीं होते। दूसरा ये कि एक मांग जो है काफी दिन पहले उठी थी जब भैरव सिंह शेखावत जी आपकी स्थान पर सुशोभित थे, तो एक एंटी करप्शन उसमें हम ले गए थे, और मैं माननीय सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि नॉन पार्टी इशू है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं रिटायर्ड सबकी जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए, हमारे लिए तो बड़ी कमेटी बन रही है, 4 MP इस राज्यसभा के 10-10 हजार रुपए के मामले में अपनी मेमोरी खो बैठे। बुलंदशहर का मेरा एक साथी था भारतीय जनता पार्टी का प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, हमारे साथ कभी लोकदल में था, एक सवाल पूछने के इल्जाम में 10 हजार रुपए में उसकी मेमोरी चली गई। और सर मैं एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को जानता हूं जिसके मकान के बाहर बेटे का प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा हुआ था, फलाने सिंह सन ऑफ श्री जस्टिस फलाने सिंह रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कैसे उसको इजाजत मिलगी सर? और उसके एसेट्स अगर आपको चाहिए, उसके घर के बाहर से कभी मुझको गुजरने का मौका मिला, इसी शहर के अंदर जो 500 करोड़ रुपए की कोठी है उसने बहुत सस्ते दामों में ले ली, तो उसके बाप ने कुछ ना कुछ अच्छा काम उसके साथ किया होगा। तो जिस तरह की इतना सिंह तो नहीं होते हैं, ऐसे सिंह होते हैं नहीं, नहीं सर मैं तो आप तो हुक्म है, हुक्म को कौन हुक्म दे सकता है सर, राजस्थान में आप लोगों को हम हुक्म बोलते हैं, बड़े हुक्म हमारे भैरव सिंह जी थे, उनके बाद आप जसवंत सिंह जी थे, आजकल आप हमारे हुक्म हैं, तो हुक्म की परंपरा जो है चली आ रही है। लेकिन आपके बारे में अच्छी बात यह है जो शायद सदन के कई सदस्यों को मालूम नहीं है कि आप जो है मीरा के परिवार के, यानी कि जो रघुवंशी परंपरा थी उसको छोड़ करके भक्ति युग की परंपरा मीरा से शुरू होती है। अब सब्जेक्ट भी आ सब्जेक्ट सब हम तो हमारे नरेश जी तो सब सब्जेक्ट हो गए हमारे पे, और श्री नरेश अग्रवाल जी पे कोई सीमा नहीं लग सकती है, हम एक विषय से बोलते बोलते दूसरे पे जा सकते हैं। शुरुआत तो आप ही ने की और सर ये डाइवर्जन आपने किया है, मैं माफी चाहता हूँ। 2 मिनट कम नहीं हो सर, मेरी बात तो खत्म हो गई, जो मेरा थीम था वो खत्म हो गया, मैं 2-3 चीजों के साथ में इसको खत्म करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को पार्लियामेंट अपने हाथ में ले, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इतनी हो कोई पॉलिटिकल लीडर सिफारिश करे कि अमुक को छोड़ दीजिए अमुक कर दीजिए, उसके पक्ष में कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन जजेज अपने अपॉइंटमेंट के लिए जिसका जिक्र अभी रामगोपाल जी ने किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज
जिसने संविधान के प्रति कसम खाई है वो महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बात कह जाए? किसी मुल्क में संभव है? सिर्फ इसी मुल्क में संभव है ये बात? आप चीन में माओ सेतुंग के बारे में, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, हनोई में हो ची मिन के बारे में, या किसी और मुल्क में जो राष्ट्रपिता है उसके बारे में ऐसी बात कह सकते हैं? और वो सब प्रेस काउंसिल में भी है और गांधी जी को गाली दिए कभी मोहब्बत में हमारे इधर वाले मित्र ने कुछ बना दी, लेट ही इज ए फिट केस फॉर सम कमीशन। प्रेस काउंसिल में किसने बनवाया? वो भी आपके मित्र रहे होंगे। तो सर मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और जब सारा समाज खराब है तो आप जुडिशरी को कैसे होली गीता कुरान मान सकते हो? वो जमाने भी चले गए। जगमोहन लाल सिन्हा थे जिन्होंने मिसेस गांधी के खिलाफ मुकदमे में मिसेस गांधी को ना सिर्फ डिस्क्वालीफाइड किया, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। क्या आप किसी जज से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? प्रमोशंस के लिए मैं हाउस कमेटी का, जैसे आजकल आप सदर हैं हमारे, मैं लोकसभा की कमेटी का मेंबर था। एक जज साहब की यह भी सिफारिश थी कि मुझको बड़ा मकान मिलना चाहिए। हमें मिल जाएगा तो हमारा तो कैंसिल कराने पे लग जाएंगे, और आपके बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि आप अच्छे मकान नहीं दे रहे। लेकिन जज साहब जो है अपना फ्रॉम 5 to 6 जया दीदी बैठे हैं, इनकी भी शिकायत है इनको अच्छा मकान नहीं मिल रहा। तो मेरा ये कहना है कि इन सारे मामलों पर जो जिस तरह का एटीट्यूड जुडिशरी का है, जितना भ्रष्टाचार वहां पर है, और सर बात खत्म होने से पहले ये मेरे 12 प्रतिवेदन हैं, मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी, छोटे भाई हैं, गोड़ा जी आए हैं, कोई नहीं बचा जिसको मैंने अपनी तकलीफ नहीं बताई है। खाली एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। गाजियाबाद से सहारनपुर से नई दिल्ली है 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, नैनीताल 270, चंडीगढ़ 275, जयपुर 280, ग्वालियर 300, शिमला 370, इलाहाबाद 700 किलोमीटर और लाहौर 410 किलोमीटर। तो सर हम पश्चिमी यूपी के लोगों के साथ इतनी बड़ी जाति हो रही है, ये कैसा सबका न्याय है, कैसा सस्ता न्याय है? क्यों नहीं एनसीआर को पूरे को आप करके एक कोर्ट बना देते आप? लाहौर में चले जाए तो और भी अच्छा है। हम तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघने वाले लोग हैं, हमारे लिए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब एक जैसा। लेकिन घोड़ा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने चिट्ठी लिखी थी और आपने इसका टेक्निकल जवाब दिया है। इतने अब हम भी जान गए, गांव के लोग भी, जब राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं तब इस तरह की जरूरत पड़ती है, चिट्ठी का जवाब आपने दिया है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है, दोनों राज्यों के लिए अलग अलग कोर्ट है, वहां के लिए हैदराबाद के लिए अलग होगी। एक राज्य में 3-3 कोर्ट और 6 करोड़ आबादी वेस्टर्न यूपी की, 6 करोड़ एक भी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 लाख केस पेंडिंग है, जजों की नियुक्तियां हैं, उसकी बिल्डिंग ही नहीं अलाउ करती है एक्सपेंशन के लिए। तो इस पर बैठ करके तरीके के साथ सोचिए, और ये इसको डोगमेटिक मत बनिए इसमें आप। इसलिए सबका न्याय हो, सस्ता न्याय हो, और PIL, अब तो PIL पर फैसले हो रहे, हम खद्दर पहने के ना पहने ये भी कोर्ट तय करेगी, प्याऊ कहां लगेगी ये भी कोर्ट तय करेगी। इसमें हमारा भी निकम्मापन है, अगर ये सारी व्यवस्थाओं को हमने दुरुस्त किया होता तो अदालत हमारे साथ ये काम नहीं करती। लेकिन उसके बढ़ते हुए इंटरवेंशन को इसलिए रोकिए, वरना तो एक दिन जुडिशरी का इलाज देश में हो जाएगा, वही तय करेंगे क्या करना है जी। सबका साथ छोड़ करके 14-15% लोगों को मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। थैंक यू। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और पश्चिम यूपी के बारे में विशेष तौर से घोड़ा साहब से निजी बातचीत में मैं उसको कोट नहीं करना चाहता। जेटली साहब खुद मानते हैं कि पश्चिम यूपी के लोगों के साथ जाति हो रही है। तो जब ये सारी चीजें आए तो मैं चाहता हूं, एक इलाहाबाद में है, एक लखनऊ में है, एक गाजियाबाद में या आगरा में बना दीजिए। मैं कोई ऐसा टिपिकल गाजियाबाद या मेरठ वाला नहीं हूं, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी एक शाखा उसकी खोलिए, ताकि सबका न्याय, सस्ता न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।